नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सहायता केंद्र। दोस्तों बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाए थे, बहुत लोगों के कमेंट्स आए थे, पर दोस्तों क्या करें, कुछ ऐसे ही बिजी शेड्यूल चल रहा है। आज जैसे आपको पता है फेस्टिवल सीजन चालू है, तो बहुत ज़्यादा ही ऑर्डर थे जिसकी वजह से हमें टाइम नहीं मिल रहा था कि वीडियो बनाए। तो अभी जैसे आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं टी शर्ट प्रिंटिंग की, स्क्रीन प्रिंट कैसे किया जाता है उसकी हम एक सीरीज चालू कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि टी शर्ट प्रिंटिंग ये कितने तरीके से किया जाता है टी शर्ट के ऊपर। तो बेसिकली दो तरीके के बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं जो कि इंडिया में और वर्ल्ड वाइड में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है स्क्रीन प्रिंट का, उसके बाद आता है सब्लिमेशन प्रिंट का। तो इसमें देखो दोस्तों, मैं आपको दोनों अलग अलग जो प्रिंटिंग होता है, जो प्रोसेस है, उसके बारे में बताऊंगा, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, ये हम बातों बातों में सीखते रहेंगे। बेसिकली आप सभी ने देखा होगा बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर है वो सब्लिमेशन प्रिंट पॉपुलर है। पर इसमें होता क्या है, सब्लिमेशन प्रिंट है, अगर वो जो पॉलिस्टर फैब्रिक होता है या नायलन फैब्रिक होता है उसके ऊपर, उस पर जो भी हम कलर या डिज़ाइन उसके ऊपर हम लोग हीट प्रेस के द्वारा उस पर हम लोग निकालते हैं, वो बहुत खिल के आता है इसमें सब्लिमेशन प्रिंट। सेम चीज़ अगर हम कॉटन के ऊपर आते हैं तो हमें वो जो कलर है वो पूरा खिल के नहीं आ पाता। हालांकि अभी जो जहां तक मेरी जानकारी है, अभी बहुत सारा ऐसे नए नए पाउडर और ऐसे लिक्विड्स आ गए हैं कि जो भी ये कलर सप्लाई करते हैं वो अपने कलर के साथ में सब्लिमेशन प्रिंटिंग जो करते हैं उसके साथ में ये देते हैं। और जब भी हम कोई सब्लिमेशन प्रिंट कॉटन के ऊपर करते हैं तो उसके पहले वो कुछ गाइडलाइंस दे रहे हैं कि आपको इसको कैसे इस्तेमाल करना है ताकि वो कलर पूरा निखर के आए कॉटन के ऊपर भी। तो दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए नए कलर्स आ रहे हैं, नए नए केमिकल्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो टी शर्ट प्रिंटिंग का बिज़नेस बहुत अच्छी तरीके से पल फूट रहा है। तो दोस्तों बेसिकली मैं जो आपको टी शर्ट प्रिंटिंग के बारे में बताने वाला हूँ वो मैं स्क्रीन प्रिंट के बारे में बताने वाला हूँ। तो धीरे धीरे वो पूरी ये सीरीज चलेगी, कोशिश करूँगा हर एक दिन आपको एक वीडियो में दूँ। तो कुछ आप बातें नोट डाउन कर लीजिए, जिन्हें भी स्क्रीन प्रिंट का बिज़नेस शुरू करना है कुछ एक बातें आप नोट डाउन कर लीजिए, कुछ एक सामान मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और कोशिश करूँगा आप लोगों, क्योंकि स्क्रीन प्रिंट आप अगर ओपनली में बात करूँ तो जो मशीन आती है स्क्रीन प्रिंट की, तो वो अगर आप देखेंगे तो लाख रुपये, 1.5 लाख रुपये, 2 लाख, 2.5 लाख तक मशीनें आती हैं। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि कोई भी इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि जो एकदम मिनिमम कॉस्टिंग करके मशीन्स जो होती हैं, मशीन्स जो मैं आपको दिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में, वो करीब 15 से 20 हज़ार रुपये की मशीन्स होंगी। कलर हो गए या जो हम एक्सपोजिंग करते हैं स्क्रीन का, उसको कम से कम लागत में कैसे लाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मुनाफा कमाया जाए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि जिससे आप लोग सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। बट क्वालिटी का भी ध्यान रखें, क्वालिटी इज़ बहुत ज़रूरी है, अगर क्वालिटी नहीं रहेगी कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्वालिटी आपको देनी है सामने वाले को, तभी वो आपके पास आ पाएगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे कुछ चीज़ें। दोस्तों देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ आपको इसमें बेसिक चीज़ें क्या लगेंगी। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपको कोटिंग करने के लिए आपको इसमें पिन कोट लगेगा, ये एक पिन कोट होता है जिससे हम फ्रेम के ऊपर, जो हमारा स्क्रीन फ्रेम रहता है, ये जो फ्रेम होता है इसके ऊपर हमको कोटिंग करनी होती है। तो हमको ये सेंसिटाइज़र और ये पिन कोट हमको यहाँ पर एक साथ मिक्स करना होता है। ये मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि इसको कैसे, किस अनुपात में इसको मिक्स किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको मिक्स करके रखा भी है, यूज़ भी किया है। उसके बाद दोस्तों इसमें देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एक कलर अभी आपको बताए हैं, इसमें 4 कलर हैं, येलो, ब्लू, वाइट एंड ब्लैक, ये 4 कलर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये एक आता है, ये एक सॉल्यूशन है रिड्यूसर, यानी जो हमारा ये कलर है इसको जब हम यूज़ करेंगे तो अगर ये गाढ़ा है तो हमें इसे पतला करने के लिए जैसे हम थीनर यूज़ करते हैं, तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे एक ये ब्लोअर भी हमने रखा है कि समझिए जैसे हमको फटाफट काम करना है, हमने स्क्रीन से वो प्रिंट निकाला टी शर्ट के ऊपर तो उसको हमें तुरंत सुखाना पड़ता है। यही चीज़ अगर आप जो आप देखे होंगे और वीडियो में आपने देखा होगा तो बड़े बड़े वो एक मशीन्स आती हैं जो 25 से 30 हज़ार उनका वैल्यू रहती है। जैसे भी मैंने आपको लास्ट ये इस वीडियो में बताया, पहले बताया कि हमें ये जो बिज़नेस है इसमें कम इन्वेस्टमेंट में ये बिज़नेस हमको चालू करना है, तो उसके जो बिहाफ में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो ब्लोअर है इसे हम यूज़ कर सकते हैं अपना कलर सुखाने के लिए। देखिए ये स्क्रीन पे कलर हमको, ये सॉरी कोटिंग हमको स्क्रीन पे लगाने के लिए इसका हम स्कूप का ये इस्तेमाल करते हैं। ये करीब 300 से 400 रुपए का मिल जाता है, 10 इंच का ये स्कूप है। उसके बाद देखिए कलर को हमें स्प्रेड करने के लिए, टी शर्ट के ऊपर उतारने के लिए हमें ये स्प्रेडर की ज़रूरत पड़ती है। ये भी इंच में आता है, छोटे से बड़ा इसे हम ले सकते हैं। उसके बाद एक जो सबसे मेन चीज़ है दोस्तों, ये आती है फ्रेम। जैसे ये फ्रेम आप देख रहे हैं, ये फ्रेम आपको पूरा बना के रेडी रखना पड़ता है। रेडी आप जब रखेंगे उसके बाद फटाफट आप अपना जो स्क्रीन है उसे उतार कर टी शर्ट पर प्रिंट कर सकते हैं। बाकी जैसे आपको पता है कि आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ से आप जो ट्रांसफ़र पेपर होता है उस पर अपनी डिज़ाइंस आप निकाल कर ये स्क्रीन के ऊपर आप उसे निकाल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। दोस्तों ये चीज़ एक ध्यान रखिएगा, ये टी शर्ट प्रिंटिंग की सीरीज़ है, छोटी से छोटी चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी, तो सारा वीडियो देखिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।